नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। जी, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम था एरे। एरे के अंदर हमने 1D एरे और 2D एरे के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर मैंने दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, पार्ट वन और पार्ट सेकंड के नाम से। अब ये तीसरी वीडियो है पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एरे के बुनियादी ऑपरेशन, एरे के बुनियादी ऑपरेशन। जी बिल्कुल, तो एरे के बुनियादी ऑपरेशन कि एरे कौन कौन से कैसे कैसे कौन से काम करता है, तो उसमें फर्स्ट है आपका ट्रवर्सिंग। फर्स्ट कौन सा है? ट्रवर्सिंग, TRAVERSING, ट्रवर्सिंग। ठीक है, ट्रवर्सिंग में है कि एक पिट आपको मैंने जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे वहाँ भी उस ऑपरेशन से, तो ये ऑपरेशन भी उन ऑपरेशन से ही संबंधित हैं, रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ट्रवर्सिंग, ट्रवर्सिंग कहता है कि एक डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद सभी डेटा तत्वों की प्रोसेसिंग को ट्रवर्सिंग कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में जितने भी डेटा तत्व हैं उनमें से उन डेटा तत्वों को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसे कहते हैं अपन ट्रवर्सिंग। क्या कहते हैं? ट्रवर्सिंग कहते हैं। सेकंड आपका इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो उसी प्रकार डेटा स्ट्रक्चर में यदि हम एक कोई नया तत्व जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं इंसर्शन। डेटा है अपने पास, उसमें जैसे स्कूल का कोई डेटा है जिसमें कोई बच्चा नया आता है, उस नए बच्चे का डेटा हम उस रिकॉर्ड में ऐड करते हैं तो कहलाता है इंसर्शन। तीसरा है आपका डिलीशन। नाम से मालूम चल रहा है डिलीशन क्या होता है। देखो, डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा तत्व को हटाना डिलीशन कहलाता है। जिस तरह हम जोड़ते हैं उस तरह कोई बच्चा स्कूल छोड़ कर चला गया है तो उसकी डेटा को हम हटा देते हैं, तो क्या कहलाता है? डिलीशन। फोर्थ नंबर का है आपका सर्च। डेटा स्ट्रक्चर में किसी तत्व को ढूंढ रहे, फाइंड कर पा रहे हैं अपन, सर्च कर रहे हैं एक डेटा तत्व को। बहुत सारा डेटा है उसमें हम किसी डेटा तत्व को सर्च कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो सर्च कहलाता है। अपडेट, ये वर्ड जो है अपडेट, ये आप अपने जीवन में देखते होंगे, जब भी कोई एप्लीकेशन नई बनती है तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता है अपडेट। तो अपडेट का मतलब होता है परिवर्तन करना। तो डेटा तत्व में जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनमें से हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं, कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अपडेट। ठीक है, तो ये आपके पांच ऑपरेशन हैं। बहुत ही सरल तरीके से ये हमने आपको बताए पाँचों ऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन ऑपरेशन की बात। जो अगला टॉपिक है वो है स्टैटिक पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से पूछा जाता है। इसमें से छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं और बड़े भी प्रश्न इसमें से बनते हैं, तो हमें इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। जी, हम बात करते हैं पहले स्टैटिक की। स्टैटिक, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो, जब आप सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम बनाते हो, और प्रोग्राम बनाते समय ही यदि हम किसी वेरिएबल को मेमोरी उपलब्ध कर रहे हैं, किसी वेरिएबल को, चर को यदि हम कोई मेमोरी उपलब्ध करा रहे हैं तो वो कहलाती है आपकी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। डेफिनेशन जो मैं लिखे पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम को रन करने से पहले दी जाने वाली मेमोरी को स्टैटिक मेमोरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें वेरिएबल के जो मान होते हैं कब देते हैं? जब प्रोग्राम को बना रहे हैं उस समय मान रखे जाते हैं और बदले भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अपोजिट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक का मतलब होता है प्रोग्राम बन गया और बनने के बाद हम उसको रन करेंगे, और रन करने के बाद आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जब वो मेमोरी हमसे मांगेगा, जब कोई चर या एरे
मेमोरी मांगेगा उस समय जब हम कोई मेमोरी उपलब्ध कराते हैं उसे, तो वो कहलाती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के बाद दी जाने वाली मेमोरी को डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो ये दोनों स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी की जो डेफिनेशन है ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं मेमोरी एलोकेशन फंक्शन, मेमोरी एलोकेशन वाले फंक्शन। ठीक है, और स्टैटिक और डायनामिक मेमोरी हो गई, अब मेमोरी को एलोकेट करनी है मतलब मेमोरी देनी है। तो किसी भी चर को मेमोरी देने के लिए हम कुछ विशेष फंक्शनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, उन फंक्शन एक चर हम प्रोग्राम रन कर लिया अपन ने, और रन करने के बाद हम कोई किसी चर को मेमोरी उपलब्ध करा रहे हैं, तो उपलब्ध कराने के लिए विशेष फंक्शन है जिनको हम अब इस पार्ट में उनकी चर्चा करने वाले हैं। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि मेमोरी एलोकेट करने वाले फंक्शन यदि आप उपयोग में ले रहे हो तो उसके लिए एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdlib.h, हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का हम उपयोग करते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जब भी हम सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h का उपयोग करते हैं, और सेकंड है CONIO कंसोल इनपुट आउटपुट .h इस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं। इन हेडर फाइल का भी अलग अलग उपयोग है, जिससे उसी क्रम में यदि आप मेमोरी एलोकेट करने वाले फंक्शन उपयोग में लेना चाहते हो तो हमें यहाँ पर stdlib.h हेडर फाइल लगानी ही पड़ेगी। यदि हम इस हेडर फाइल को नहीं लगाते हैं तो जो आप मेमोरी एलोकेट करने वाले फंक्शन उपयोग में लोगे वो फंक्शन कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में एरर भी आएगी। तो इसी क्रम में फर्स्ट जो है आपका फंक्शन void selloc, CALLOC selloc। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है int num, num मतलब नंबर, कि आप कितने नंबर की साइज वाली मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो। तो दिए गए नंबर के आधार पर, सॉरी थोड़ी सी लैंग्वेज गलत लिखी हुई है, दिए गए नंबर के आधार पर एरे को मेमोरी एलोकेट की जाती है। हम इंट के बाद जो नंबर दिया जाएगा उसके आधार पर साइज निर्धारित की जाएगी, उसी साइज के आधार पर जो वॉइड है उससे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इक्वल के सिंबल लगाने से पहले किसी चर का नाम लेंगे। जैसे अपन लिखेंगे ABC इक्वल void selloc int कोई नंबर int कोई साइज। ठीक है, उसके आधार पर उस ABC को क्या मिल जाएगी, मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और वो मेमोरी होगी आपकी किसमें, बाइट में होगी। क्लियर जी, बिल्कुल। ठीक है, हालांकि अपने 12th क्लास के अंदर जो फंक्शन हम उपयोग अभी पढ़ने वाले हैं इनसे void, void free और void relock तीन फंक्शन है जिनसे सिर्फ छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते। परंतु void malloc बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इससे बड़ा प्रश्न भी बनता है छोटा प्रश्न भी बनता है। तो void malloc कि अभी हम यहाँ समझेंगे और इसके बाद हम इसका प्रोग्राम और इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं void free, फ्री मतलब फ्री करेगा मेमोरी को, कौन सी मेमोरी को फ्री करेगा, void address, जो एड्रेस यहाँ देंगे ना उस एड्रेस पर जाकर उस चर की मेमोरी को फ्री कर देगा। यह फंक्शन दिए गए एड्रेस की मेमोरी ब्लॉक को फ्री करता है। void malloc सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये, और 100% इसमें से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो यह फंक्शन क्या करता है, दिए गए नंबर के आधार पर एरे को मेमोरी एलोकेट करता है, सेम सेलॉक की तरह है, साइज बाइट में होती है, परंतु जो बाइट साइज जो होती है इसकी वो अनइनिशियलाइज होती है, मतलब वो खाली होती है, उसमें बाद में नंबर रखे जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में वो जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं तो उस समय उसकी मेमोरी अनइनिशियलाइज होती है, खाली होती है। ठीक, तो इसी क्रम में आपका चौथा फंक्शन है void relock, है ना, मतलब मतलब दोबारा से यदि किसी एरे के अंदर हमने मेमोरी पहले दे दी है, अगर इसको वापस मेमोरी और चाहिए
दोबारा उसको मेमोरी चाहिए, तो हम इस फंक्शन के आधार पर से हम नई मेमोरी उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, तो यह फंक्शन किसी एरे को दोबारा से मेमोरी एलोकेट करने का कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बताएं, आपके डाउट्स सॉल्व करने में पूरी कोशिश करूँगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, आपके लाइक्स कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपके क्वेश्चंस जो आपको समझ में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, वो आप मुझे बताएं कमेंट्स करके। धन्यवाद।